हेलो एंड वेलकम एवरीवन दिस इज प्रोफेसर सिद्धार्था आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और मैं तो हमेशा मस्त ही रहता हूं वेलकम टू एपिसोड नंबर सिक्स रिवीजन कम अमेंडमेंट्स सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स मे ट्वेंटी वन नवेंबर ट्वेंटी वन एग्जाम हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन इंग्लिश अलग से रिकॉर्ड होगा ऑब्वियसली पिछले लेक्चर के अंदर हमने खतम किया अप चैप्टर चैप्टर नंबर दैट इज़ टीडीएस टीडीएस वेरी वेरी बिग चैप्टर, बहुत सारा अमेंडमेंट था पूरा हमारा हमारा हो हो गया तक हमारा खतम हो गया तक और अब हम लोग आगे चलेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंडेक्स वो हमारे अब तक वॉल्यूम टू के अंदर बाकी है एंड देन वॉल्यूम थ्री के अंदर हम लोग जो आईपीसी के हेड्स ऑफ इनकम और क्लबिंग सेट ऑफ रिडक्शन वगैरह के चैप्टर जो कवर करेंगे वी विल मूव इन द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स अनलेस अगर कभी लग रहा है कि टाइम कम है और सेट करना है वैसा कुछ और एक चीज और मैंने अब तक ध्यान रखी है कि पांच एपिसोड हो गया ये सिक्स एपिसोड है जो इंग्लिश वाला लेक्चर है वो हिंदी वाला लेक्चर है ड्यूरेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि किसी में कुछ लंबा एग्जाम्पल दिया हिंदी वाले को या कभी इंग्लिश वाले को कुछ बड़ा एग्जाम्पल दे दिया ड्यूरेशन थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है ड्यूरेशन के हिसाब से मत जाना प्लीज ओके okay? तो अब हम करेंगे इन दी ऑर्डर ऑफ इंडेक्स टीडीएस के बाद में नेक्स्ट चैप्टर वेरी क्विकली वी हैव चैप्टर कॉल्ड एडवांस एडवांस टैक्स 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 वो text जो आप भरोगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड लेट्स बी क्लियर जब हम प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं वैसे तो लास्ट एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट आता है थ मार्च को लेकिन थर्टी फर्स्ट मार्च तक अगर आपने कुछ भी पे किया तो वो एडवांस टैक्स होता है हमको पता है जैसे ही असेसमेंट ईयर कुछ भी पे किया है, तो वो होगा आपका तो बोला किसको किसको भरना है कभी कभी भरना है और कितना कितना भरना है एडवांस टैक्स सबको भरने का सबको खाली एक को माफ किया थ्री कंडीशन

एडवांस टैक्स भरना है लेकिन अगर हमारी लाइबिलिटी टेन थाउजेंड या उससे ज्यादा है तो अगर लेस देन टेन थाउजेंड है तो नहीं पे करना है भर दो, 9999, अगर या उससे ज्यादा हुआ तो एग्जैक्ट टेन थाउजेंड में आपको भरना है नाइन 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 या उससे कम में आपको नहीं भरना है मीन एग्जैक्ट इक्वल टू बहुत जरूरी है

साल के एंड पे भी कम टू नो अवर टोटल इनकम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट अवर टोटल टैक्स, हमारा कोई मैट एम टी क्रेडिट है तो ये सब लेने के बाद में जो फाइनल बचेगा अगर वो अमाउंट एग्जैक्ट टेन या उससे ज्यादा है अपटू नाइन 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 नहीं भरना एग्जैक्ट टेन या उससे ज्यादा है तो हमको भरना है तो मित्रों

एडवांस टैक्स भरना था लेकिन आपने नहीं भरा या आपने कम भरा बिकॉज आप जब भी भरोगे एस्टिमेट के हिसाब से भरोगे यू आर गोइंग टू बी पीनलाइज फॉर लेस पेमेंट फॉर रॉन्ग एस्टिमेट उसका एक टू थर्टी फोर बी का इंटरेस्ट अगर पूरे साल का टोटल में शॉर्टफॉल है तो टू थर्टी फोर बी का इंटरेस्ट लगता है और अगर ये कोई इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में शॉर्टफॉल है तो टू थर्टी फोर सी का इंटरेस्ट लगता है इफ दर इज शॉर्टफॉल जो आपको साल के एंड में पता चलेगा और टू थर्टी फोर बी और सी हम लोग अगले चैप्टर के अंदर एनीवेज डिस्स डिस्कस मतलब रिवाइज करेंगे रिविजन लेक्चर है कोई तो सम सॉल्व करके आपको बताया जाने वाला नहीं है तो दो लोगों को नहीं भरना है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग बिजनेस फाइनल या उससे कम आया तो अगर वो आएगा तो आपको भरना पड़ेगा और ये जो फाइनल पेबल का कैलकुलेशन कैसे है वो आपने समझ लिया और आपको ये भी बता दिया एस्टिमेट गलत निकला तो भी इंटरेस्ट लगेगा वट आर द ड्यू डेट दिस प्रोबेबली आपको पता होना चाहिए फिफ्टीन जून पंद्रह परसेंट सेप्टेम्बर तक फोर्टी फाइव मेरे बर्थडे के दिन हाँ, मैं एडवांस टैक्स के दिन पैदा हुआ था एडवांस टैक्स के ड्यू डेट तो लेता है ADA, देन उनको सिर्फ लास्ट वाला फिफ्टी मार्च वाला मतलब उनको ये वाला तीन जो इंस्टॉलमेंट है ये फोर्टी फोर एडी एंड फोर्टी फोर एडीए वाले को नहीं पे करना है टोटल का जो शॉर्टफॉल है उसका टू थर्टी फोर बी इंटरेस्ट इनको भी टोटल तो भरना ही है तो इनका टू थर्टी फोर बी और दूसरे का टू थर्टी फोर बी कैलकुलेट होगा लेकिन वाले के लिए खाली लास्ट वाला शॉर्टफॉल होगा क्योंकि पहला तीन उनको अप्लाई नहीं करता है उनको भरना ही नहीं है तो पहले तीन इंस्टॉलमेंट के अंदर उनका कोई भी टू थर्टी फोर सी आएगा ही नहीं बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू पे इंस्टॉलमेंट स टैक्स नहीं भराया तो आप और ये तो बच्चे को, गवार लोगों को भी एडवांस मतलब भरोम चाहे ज्यादा भरोक्स लाइबिलिटी आएगी जैसे टीडीएस का क्रेडिट मिलता है यह भी एक प्रीपेड टैक्स है इसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा यह था आपका चैप्टर एडवांस टैक्स ऑर्डर ऑफ इंडेक्स में आगे चलेंगे अगला चैप्टर है हमारा टू थर्टी फोर एबीसी वैसे इस चैप्टर में आपको वाला हूं ऐसा क्यों भगाएगा इनकम अपू फाइव लेक है एंड टू थर्टी फोर जी फीस ये जो नया वाला है जो ट्रस्ट को या कंपनी रिसर्च एसोसिएशन उनको साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को एक स्टेटमेंट फाइल करना है ताकि डोनर का ऑटो फिल में डिडक्शन

अक्टूबर अमेंडमेंट है नवंबर। अगर आपने किया, तो की नोटिस दिस इज सर्च नोटिस दोनों के अंदर आपको बोलता है, फाइल फ्रेश है इवन फाइल। और एक टाइम देगा बीस दिन में कर पंद्रह दिन में कर अगर आपने उस टाइम में नहीं किया तो वो भी एक डिफॉल्ट है मतलब यहां पर डेट सेक्शन में दी हुई है

फर्स्ट uh, नवंबर से और नवंबर वाले के फर्स्ट डिसंबर से या इसका बीस दिन टाइम मिला तो ट्वेंटी फर्स्ट डे से जो भी टाइम मिला उसके अगले दिन से चालू हो जाएगा टिल विच डेट या तो फाइल कर दे तो बंद हो जाएगा या ऑर्डर बेस्ट जजमेंट वाला आएगा तो बंद हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डॉक्टर प्रणय रॉय ने बोला था मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था डॉक्टर प्रणय रॉय के, के केस में अगर तुम पैसा भर दोगे पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो फिर तुमको उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा इफेक्टिवली

देखो नाग 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 है तो भरना ही अगर आपका फाइनल पेबल वन लैक है उसमें भी रेसिडेंट भरना अगर भरा है अगर 90 भर दिया, तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं मार्जिन से भरता है थोड़ा तो देना पड़ेगा ना लेकिन अगर आपने एटी नाइन भरा तो इंटरेस्ट आएगा बिकॉज यू नॉट मेट दी रिक्वायरमेंट ऑफ नाइनटी किस पे वन पे नहीं पूरे ग्यारह पे सो इफ यूर फाइनल पेबल इज वन लैक जो आपको साल के एंड में पता चलेगा नाइनटी भरा है तो नो no इंटरेस्ट 89 भरा है तो 11000 पे इंटरेस्ट 90 इज टू डिसाइड यस यस इंटरेस्ट 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 नो नो इंटरेस्ट 90 हुआ तो नो no इंटरेस्ट नहीं हुआ तो पूरे शॉर्टफॉल के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा एंटायर शॉर्टफॉल 1 परसेंट स्टार्ट कब से होगा देखो कब तक टाइम अवेलेबल है लॉजिक वही है जो टू थर्टी फोर था फर्स्ट मार्च तक एडवांस टैक्स भरने को अलाउड है ना तो फर्स्ट अप्रैल से चालू हो जाएगा First April of assessment है। और कब तक या तो पेमेंट करोगे तो बंद हो जाएगा रिटर्न सेन एंटायर शॉर्टफॉल वन परसेंट फ्रॉम फर्स्ट एप्रिल ऑफ असेसमेंट या टीन पेमेंट और, 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 paid, no paid, पेमेंट और, और, और जब भी आपका रीअसेसमेंट 11, 11, सर्च करके या रीअसेसमेंट करके निकाला तो वो एक्स्ट्रा टैक्स पे इतने साल जो आपने मजा लूटा ना उसका इंटरेस्ट दैट एक्स्ट्रा टैक्सिपल वन परसेंट पूरे चैप्टर में रेट है स्टार्ट डेट विल बी फर्स्ट अप्रैल ऑफ दैट रिलेवेंट अट क्योंकि आपको तभी भर देना चाहिए था

तो वो एक्स्ट्रा टैक्स आपका प्रिंसिपल रेट वन परसेंट पर मंथ और पार्ट पूरे चैप्टर में फिक्स हो जाएगा एंड इंटरेस्ट का पीरियड क्या होगा स्टार्ट फिर वही लॉजिक है अप्रैल ऑफ दैट असेसमेंट मतलब हम पकड़े चाहे तू मजा तो तब से कर रहे हो ना टिल अभी देखो रूल बोलता है पेमेंट और ऑर्डर अर्लियर पेमेंट और ऑर्डर अर्लियर जिसको सेटलमेंट कमीशन का चैप्टर याद है उसको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए फर्स्ट पेमेंट होता है फिर एप्लीकेशन होता है फिर ऑर्डर आता है पेमेंट पहले ही होते तो इनको पीरियड को पेमेंट पर बंद करना चाहिए था ये शाने लोग क्या बोले मालूम है एप्लीकेशन मतलब पेमेंट होगा फिर एप्लीकेशन होगा फिर आपका ऑर्डर आएगा एप्लीकेशन तक मतलब पेमेंट करने के बाद अगर आपने एप्लीकेशन नहीं किया ना तो वो वाला पीरियड भी आपके इसमें ऐड और यहाँ पे तो भाई साहब एक महीना भी ऐड हो जाता है ना तो सीधा दस हजार रुपया इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स ही दस लाख और सर्च केसेस में तो पचास हजार क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स पचास लाख होता है सो दे आर सेइंग एंड डेट डेट विल बी ऑफ एप्लीकेशन एक्स्ट्रा टैक्स वन परसेंट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ऑफ रेलिवेंट द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड देन वी हैव सेक्शन 234 सी हर एक इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट फिफ्टीन फोर्टी फाइव सेवेंटीड में अगर shortfall हुआ, तो कैसे करेंगे? एक एक इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं फर्स्ट 15 भरना है ये भी मार्जिन मिलेगा पे पे भी क्योंकि आप एस्टिमेटेड बेसिस तो भरते हो अगर 12 भर दिया तो नो इंटरेस्ट मीन वन लेख के एग्जाम्पल को लेंगे तो पंद्रह जून तक आपको पंद्रह भरना था अगर आपने बारह भरा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा लेकिन अगर आपने 11 भरा तो पूरे 4000 पे आएगा इफ देर इज शॉर्टफॉल एंटायर शॉर्टफॉल विल बी सब्जेक्टेड मीन वी गिव यू 12 तक अलाउड फिफ्टीन भरना है लेकिन ट्वेल्थ तक अलाउड इलेवन भरा फोर थाउजेंड का शॉर्टफॉल वन परसेंट और सबसे बेस्ट पार्ट ऑर्ट अब टू थर्टी फोर थी यहाँ पे पीरियड फिक्स है तीन महीने शॉर्टफॉल वन परसेंट थ्री मंथ कम टू सेप्टेंबर फोर्टी फाइव भरना है थर्टी सिक्स तक का मार्जिन थर्टी सिक्स भरा नो इंटरेस्ट थर्टी फाइव भरा तो पूरे दस हजार के ऊपर आएगा शॉर्टफॉल फॉल वन परसेंट थ्री मंथ बट ये खाली पहले दो इंस्टॉलमेंट में फैसिलिटी मिलता है 15 की जगह पे 12, 45 की जगह पे 36, तीसरे इंस्टॉलमेंट में सेवेंटी फाइव एक रुपया भी शॉर्टफॉल है शॉर्टफॉल एंड चौथे इंस्टॉलमेंट में भी हंड्रेड भरना है एक रुपया भी अगर शॉर्टफॉल है शॉर्टफॉल फॉल 1 वन परसेंट दिस टाइम वन मंथ क्योंकि अभी मार्च में खाली सोलह दिन बचा था मीन्स टू थर्टी फोर सी का ओरली अगर कैलकुलेशन बोलेगा चार इंस्टॉलमेंट हर एक का शॉर्टफॉल फाइंड आउट कर वो प्रिंसिपल बनेगा शॉर्टफॉल 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 रेट वन परसेंट वन परसेंट वन परसेंट वन परसेंट पीरियड थ्री 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 वन शॉर्टफॉल वन परसेंट थ्री शॉर्टफॉल वन परसेंट थ्री शॉर्टफॉल वन परसेंट थ्री शॉर्टफॉल वन परसेंट वन ये तेरा टू थर्टी फोर सी का इंटरेस्ट होगा और उसमें पहले दो वाले इंस्टॉलमेंट में याद रखना फिफ्टीन की जगह पे ट्वेल्व भर देगा तो आएगा ही नहीं आएगा तो पूरे शॉर्टफॉल पे नहीं तो आएगा ही एंड फोर्टी फाइव की जगह पे थर्टी सिक्स भर देगा तो भी नहीं आएगा समझा क्या लेकिन जो लोग फोर्टी फोर एडी लेते हैं उनको तो पहला तीन तो अप्लाई नहीं, तो 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 नहीं करता है तो उसका हमेशा जीरो 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 जो लास्ट वाला है शॉर्ट फॉल वन परसेंट वन वो लाइक एनी एल्स तो कैलकुलेशन सेम है खाली इनको पहला तीन अप्लाई नहीं करेगा देन यू विल गेट वेवर टू थर्टी फोर सी का अगर कैपिटल गेन है कैजुअल विनिंग है पहली बार पी है ये निकाल सकते हो आप क्योंकि अभी बीबीडी नॉट एप्लीकेबल एवरी डिविडेंड इज टैक्सेबल ये इनकम कमाने के पहले अगर कोई इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया है तो उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर टू थर्टी फोर सी नहीं लगेगा इफ बिफोर अर्निंग एनी इंस्टॉलमेंट इज ओवर तो दैट पर्टिक्युलर टैक्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन फिर आप सीसीआईटी के पास जाके इनका वेवर लेके आ सकते हो दैट इज ऑल्सो फैसिलिटी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन दैट दे देव प्रिस्क्राइब आउट ईयर जो आपका टीडीएस रिटर्न का फीस है इनकम टैक्स का फीस है और ये भले अमेंडमेंट है लेकिन ऑलरेडी पेनल्टी में भी डिस्कस किया एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस रिसर्च एसोसिएशन को स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा नहीं तो टू हंड्रेड रुपीज पर डे मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दिन अगर आपको डिमांड नोटिस मिला और आपने थर्टी डेज के अंदर अंदर पैसा नहीं भरा एक और इंटरेस्ट है तो आप बनेगा असेसी इन डिफॉल्ट और जैसे ही आप असिसी इन डिफॉल्ट बनेगा तो फ्रॉम द थर्टी फर्स्ट डे वन परसेंट पर मंथ और पार्ट जब तक आप पैसा नहीं भरते सो डिमांड नोटिस मिला

कभी मिलेगा रिफंड सबको बांटते फिरगा नहीं जिसका भी टैक्सेस पेड मतलब एडवांस टैक्स टीडीएस वो सब ज्यादा है उसको रिफंड मिलेगा किसको मिलेगा जिसने भरा उसको मिलेगा लेकिन दो केसेस अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी है या अगर आपके केस में क्लबिंग हुआ है तो ये दो केसेस में रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा जैसे लिक्विडेटर या वो हो गया एंड क्लबिंग के केस में द पर्सन हु ऑफर द इनकम टू टैक्स मतलब माइनर चाइल्ड का टीडीएस कट एफडी इंटरेस्ट पे एफडी इंटरेस्ट एक्सेबल फॉर पेरेंट

मतलब आपको क्या लगता है असेसिंग ऑफिसर एक टेम्पो में पैसा भर के गली गली घूमेगा रिफंड बोलो रिफंड बोलो रिफंड बोलो रिफंड बोलो रिफंड ले लो रे मांगना पड़ेगा यू विल हैव टू क्लेम क्लेम योर रिफंड रिफंड एंड हाउ विल पहले दो तरीका था एक फॉर्म भर सकते थे या रिटर्न भर सकते थे अभी एक ही तरीका है यू कैन गेट योर रिफंड ओनली बाय फाइलिंग आर ओ आई फाइलिंग ऑफ आर इज द ओनली वे टू गेट योर रिफंड लेकिन अगर आप अपील जीते हो तो मांगने की जरूरत नहीं उसको खुद को देना पड़ेगा इफ यू हैव वन एन अपील देन आपको वो खुद बिना मांगे वैसे भी हम अपील जीते तो हायर अथॉरिटी का ऑर्डर है ही टू गिव बस दो बातें याद रखना इफ द ओरिजिनल ऑर्डर इज सेटिस तो फ्रेश असेसमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और अगर आप अपील जीते भी हो तो खाली एक्स्ट्रा टैक्स जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका रिफंड मिलेगा जो अनडिस्प्यूटेड आपने मान लिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट शैली प्रोडक्ट्स टू फोर्टी वन ए ने ऐसा बोला है कि अगर इंटीमेशन कर रहा है और उसको पता है कि वो स्क्रूटिनी करने वाला है तो फिर वो इंटीमेशन आपको देगा लेकिन रिफंड रोक देगा

जब इंटरेस्ट ऑन रिफंड बोल रहे तो प्रिंसिपल मतलब रिफंड होगी इंटरेस्ट का रेट विल बी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट पर मंथ पर पार्ट कैसा शाना लोग जब वो लोग तुमसे इंटरेस्ट लेता है दे पर पर मंथ पार्ट और जब उनको तुमको देना है दे विल गिव यू ओनली हाफ परसेंट पर मंथ पर पार्ट सो रिफंड हाफ परसेंट पर मंथ पर पार्ट सर कब से चालू होगा इसके लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इफ योर रिफंड इज ड्यू टू एडवांस टैक्स टीडीएस ये हम लोग प्रीवियस ईयर में भरते हैं तो इसका स्टार्ट डेट अलग है तो तो ये तो बाद में भरते हैं, after previous year इसका इसका अलग है। में एक-एक दिन का record नहीं रख पाएंगे तो हम लोग से से चालू चालू करेंगे। और इसका पेमेंट से चालू करते और करते जेटली जी ने अपने टाइम में दोनों में फाइल करोगे तो फर्स्ट रिलेटेड फाइल करोगे तो फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग और यहां पे बोला पेमेंट और रिटर्न विच एवर इज लेटर मीन फॉर रिफंड ड्यू टू एडवांस टैक्स एंड टीडीएस

तुमको पता चलेगा कि इनकम टैक्स का एक एक प्रोविजन क्यों क्यू यू विल नॉट जस्ट बी अ स्टूडेंट यू कैन बिकम अ टीचर एक्चुअली हाँ आओ कभी हवेली पे सो टेन परसेंट वो लोग भी आपसे नहीं लेते हैं तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं देंगे देन जनरल पॉइंट ओरली बता देता हूं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लेकिन प्रिंसिपल दे दिया और इंटरेस्ट रोक दिया तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नरेंद्र मोदी नहीं है नरेंद्र दोषी देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द इंटरेस्ट विल टेक द कैरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल मतलब यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो जब इंटरेस्ट भरते हैं टू थर्टी फोर एबीसी तो हमको डिडक्शन नहीं मिलता लेकिन जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर एनी टू उसका आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ओके सो दीज आर सम जनरल पॉइंट सेक्शन 245 बोलता है अगर आपका पहले का कोई पेएबल अमाउंट बाकी आपने भरा नहीं और आज आपका रिफंड आ रहा है तो आपका एओ आपका रिफंड अटका सकता है कैन एडजस्ट योर योर करंट रिफंड अगेंस्ट ड्यू लेकिन हम नहीं कर सकते सर मेरा पहले का रिफंड बाकी है तो इस साल में टैक्स नहीं भरू चलेगा आपका नहीं चलेगा वो कर सकता है वो आपका अभी का रिफंड रोक सकता है अगर पास्ट आउटस्टैंडिंग है तो आप आप करंट ईयर का पेमेंट नहीं रोक सकते हो क्योंकि रिफंड बाकी आप नहीं कर खाली वो कर सकते हैं एंड लास्टली किसी ए ने आपको ज्यादा रिफंड दे दिया इंटीमेशन किया रिफंड दे दिया फिर पता चला स्क्रूटिनी में रिफंड कम था तो यू हैव टू रिटर्न द मनी वो तो कोई बात ही नहीं है विथ इंटरेस्ट

तो या ये नहीं समझना है आपने रिफंड लिया वो आप वापस दे रहे हो तो जो रिफंड आपने लिया उस पे किस रेट इंटरेस्ट मिला आपको आपको हाफ मिला ना तो आप भरेगा भी हाफ समझा लॉजिक सो भरेगाट होगा एक्सेस रिफंड वापस दो विथ हाफ परसेंट इंटरेस्ट स्टार्ट कब से होगा जब से आपने रिफंड लिया डेट ऑफ ग्रांटिंग रिफंड और एंड कभी होगा पैसा भरोगे उस दिन नहीं ऑर्डर वाले दिन को हमको इंटरेस्ट को स्टॉप करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्रांटिंग रिफंड टिल ऑर्डर सर फिर ऑर्डर आगे और पे पैसा नहीं भरा तो सुन ऑर्डर के साथ डिमांड नोटिस आता है, तीस दिन मिलता है नहीं भरा तो मैक्सिमम तीस दिन के बाद तो वापस चालू हो जाएगा बट डिमांड नोटिस वाला इंटरेस्ट तो जब तक पैसा नहीं भरते हो, तब तक चलेगा सो मैक्म असेसी को तीस दिन मिलता है उसमें नहीं भरेगा तो एनीवेज anyway, बाद में उसको भरना ही अरे समझा क्या सो एक्सेस रिफंड हाफ परसेंट फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांटिंग टेट ऑफ ऑर्डर दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑर्डर ऑफ इंडेक्स रिकवरी प्रोसीडिंग टैक्स तो डिसाइड हो गया लेकिन पैसा भरता ही नहीं है तो क्या तो हम तेरे इधर भेजेगा वसुली भाई 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 जल्दी बोल कल सुबह फ्रॉम ही कैन टेक अवे ऑर मूवेबल प्रॉपर्टी अवेर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप एकदम भूखा नंगा निकला तो आपको लेके जाएगा पावर टू अरेस्ट एंड ऑप्शन करेगा ओके okay? ये तीन एब्सोल्युटली यूजलेस सेक्शन है इग्नोर करो जो रेजिक्शन वैलिडिटी स्टे वैसे तो यूजलेस है खाली आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि टीआरओ के पास पावर है आपको स्टे देने का इसलिए सीआईटी अपील्स को भी पावर मिलेगा आपको स्टे देने का इफ टीआरओ कैन ग्रांट स्टे देन ऑब्वियसली सीआईटी अपील्स कैन आल्सो ग्रांट स्टे अदर मोड्स एक तरीका क्या है आपसे रिकवर करने का आपके घर पे टीआरओ भेजो सर और कोई तरीका है यस yes, सर बिल्कुल सर कैसे आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है और डेटर

अगर उसने इनकम टैक्स के साथ कॉपरेट किया मीनस उसने पैसा किसको दिया इनकम टैक्स को तो यू विल बी टुवर्ड्स डिफॉल्टिंग असेसी असेसी डिफॉल्टिंग तुमको केस करके तुम्हारे से पैसा नहीं मांग सकते और अगर तुमने नहीं दिया यू विल बी पर्सनली लायबल यू विल बिकम असेसी इन डिफॉल्ट और तुम्हारे अगेंस्ट रिकवरी होगा हाँ लेकिन टू ट्वेंटी टू वाला होगा मतलब तुम्हारे डेटर्स के पास जाके फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी ऐसा चेन नहीं बनाएगा एस so, असेसी का पैसा

वर्नमेंट ड्यूज अंडर अदर लो तो शेयर करेंगे थोड़ा तुम थोड़ा में प्रपोर्शनेट इनकम टैक्स वाले का कस्टम वाले का जीएसटी वाले का जितना भी ड्यूज है कोई भी रिकवर करे हम लोग उसको प्रपोर्शनेटली शेयर करेंगे अवर टू थर्टी टू एंड अवर चैप्टर कॉल्ड रिकवरी प्रोसीडिंग चलिए लेट्स गो अहेड नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग कोई जरूरत नहीं इसकी इंपोर्टेंस बोलने की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर न्यू कोर्स के अंदर इंटरनेशनल टैक्स थर्टी मार्क्स का है इलेक्टिव पेपर है दोनों के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और गुड न्यूज ये है कि एवरी वर्ड यर पेपर सेवन पेपर सिक्स में सेम है सो वट एवर ट्रांसफर प्राइसिंग वी विल बी रिवाइजिंग यर विल बी हेल्पिंग यू इन बोथ ऑब्वियसली रिविजन लेक्चर है तो जल्दी जल्दी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग क्लास में पढ़ते हैं अबाउट दी मेन सेक्शन नाइनटी टू बोलता है एनी इनकम और एक्सपेंस बिकॉज मैनिपुलेशन दोनों में हो सकता है आउट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन डोमेस्टिक ट्रांटरप्राइज भी कवर्ड है दोनों में हो सकता है बिटवीन असोसिएटेड एंटरप्राइज शेल लेंथ प्राइस इनकम और एक्सपेंस डोमेस्टिक और फॉरेन एसोसिएटेड एंटरप्राइज एट आर्म्स लेंथ प्राइस वी विल हैव टू डू दैट तो हम लोग सबसे पहले क्लास के अंदर कुछ जनरल पॉइंट्स करते हैं अब टेन ट्वेल्व वी स्टडी और वो खत्म होने के बाद में हम लोग करते हैं वो तीन मीनिंग क्लास की क्रोनोलॉजी याद दिलाता हूँ फर्स्ट वी डू अबाउट टेन ट्वेल्व पॉइंट्स देन हम तीन चीज का मीनिंग पढ़ते हैं एसोसिएटेड इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक तीनों मीनिंग फालतू है लेकिन पढ़ते हैं एंड देन वी गो टू कंप्यूटेशन ऑफ लेंथ प्राइस उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे पहले बात करते हैं जनरल पॉइंट ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज इंक्रीजेस तो इनकम ऑफ दी अदर एंटरप्राइज विल रिमेन अनचेंज एक का सेल्स बढ़ाएगा तो दूसरे का परचेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा जो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडिशन है उसके सामने आप टेन डबल ए चैप्टर सिक्स से ऐसा कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते तो माइंड यू ओनली अगेंस्ट द एडिशन ओरिजिनल अमाउंट के सामने आपको लेना अलाउड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग वन इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज इंक्रीजेस वो ये तो पहला वाला था ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग इफ द टोटल इनकम इज रिड्यूसिंग देन ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल पहला तीन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक का इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे का इनकम कम नहीं होगा अनचेंज रहेगा फ्रॉम दी एडिशन यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन ओरिजिनल के सामने मिलेगा एंड थर्ड अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के वजह से टैक्स कम हो रहा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग नॉट एप्लीकेबल इसके अलावा जनरल पॉइंटी टू डी बोलता है टू परसेंट पेनल्टी नाइनटी टू ई बोलता है सबमिट फॉर्म थ्री सी बी सी ए का रिपोर्ट फेलियर विल अपलाई वन लैक फ्लैट पेनल्टी जैसे वैल्यूएशन ऑफिसर होता है वैसे ही आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूटेशन के लिए वी कैन है ऑफिसर ऑल्सो देन यू कैन गो फॉर से रूल्स ऑल्सो Year, वैसे सेफ आरबर रूल्स रिसेंटली वापस नोटिफाई हुआ है अगर वो लोग आरटीपी के अंदर सर्कुलर डालेंगे तो हमको पढ़ना है आपको लिटिगेशन नहीं चाहिए तो एस एस सी और गवर्नमेंट पहले से अग्रीमेंट कर सकते हैं अप्रूव द दवर्मेंट पहले से अग्रीमेंट होगा टू डिटरमाइन आर्मस लेवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट

लिटिगेशन फिर इसी चैप्टर के अंदर आई डिस्कस विध एरिया जब भी कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया के साथ कॉपरेट नहीं करती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुडिशिक्शनल एरिया सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा एनी एसे विल बी कम्पल्सरी हेल्ड एस एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्योंकि हमको उसकी ओनरशिप के बारे में पता ही नहीं है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा तो एसोसिएटेड कंपल्सरी होगा अगर आप वहां पर कोई एक्सपेंस करते हो एक्सपेंस विल बी डिस इडेड अगर आप परमिशन टू क्वेश्चन हमको परमिशन देते हो क्वेश्चन करने का तो अलाउड अदरवाइज एक्सपेंस इन एनजेलाउड और अगर आप परमिशन देते भी हो तो मिनिमम थर्टी परसेंट आपको एनी रिसीट फ्रॉम एनजे चाहे वो कैपिटल रिसीट और लोन हो तो भी रिसीट विल बी टैक्सेबल इनकम और एक वो साइप्रस को नोटिफाई किया था बाद में उसको भी डिलीट कर दिया वो नाइनटी फोर ए का स्टडी फिर नाइनटी टू सी सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी हम करते ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से जो भी आपकी इनकम में एडिशन हो रहा है that addition is going to be called

लिख के कराता हूं वी स्टिल डिस्कस ऑल द लॉजिक एंड एवरीथिंग इन डिटेल पूरा का पूरा डिटेल के अंदर लिख के कराता हूं लेकिन ये क्योंकि रिविजन लेक्चर से हमको टाइम का ध्यान रखना है इसलिए हम लोग पीडीएफ खोलते जो चीज पीडीएफ से दिखानी हो आपको दिखा देता हूँ आपका ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से इंक्रीज हुआ है तो इनकम वो प्राइमरी एडजस्टमेंट आपको बुक्स में भी दिखाना पड़ेगा सेकेंडरी एडजस्टमेंट खाली अपनी बुक्स चेंज करके चलेगा नहीं यू हैव टू चेंज बुक्स ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज नॉनसेंस सेंस है कमी होने वाला नहीं और आपको वो उससे रिपेट्रिएट करके लेना भी है

और अगर फॉरेक्स में होगा तो चेंज क्या आएगा एनुअल की जगह सिक्स मंथ रेट एसबीआई की जगह पर लाइबोर फर्स्ट अप्रैल की जगह पे थर्टीएथ सितंबर एंड थ्री पॉइंट टू फाइव की जगह पे थ्री चारों चीज चेंज हो रही है सो इंडियन रुपीज में एसबीआई फर्स्ट अप्रिल एनुअल रेट प्लस थ्री पॉइंट टू फाइव एंड फॉरेक्स में हुआ तो लाइबोर थर्टीए सितंबर सिक्स मंथ लैंडिंग रेट प्लस थ्री परसेंट सो एनुअल सिक्स मंथ एसबीआई लाइबोर फर्स्ट अप्रिल थर्टीए सप्टेंबर एंड थ्री पॉइंट टू फाइव थ्री परसेंट ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक आप ये नोशनल इंटरेस्ट आपको दिखा के आपको अपनी इनकम में एड करते रहना पड़ेगा ऑब्वियसली वो पैसा कभी रिपेट्रेट तो होने वाला नहीं है तो अब इन्होंने क्या बोला है कि आप एक काम करो यू पे एटीन परसेंट ऑन दैट अमाउंट वन टाइम टैक्स ये टैक्स भरने की डेट तक इंटरेस्ट ऐड होगा जिस दिन ये टैक्स भर दोगे बन मतलब एक ही अमाउंट के ऊपर दो बार टैक्स लगेगा प्राइमरी एडजस्टमेंट बनके इनकम में ऐड हुआ तो वहां पे टैक्स लग रहा है और सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए आपको ये वन टाइम टैक्स भरना पड़ेगा तो दो बार टैक्स लगा रहा है दिस टैक्स विल बी 18 कंपलसरी 12 सरचार्ज एंड 4 HEC. ये भर दो तो फिर आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं दिस इज एप्लीकेबल ओनली वेन इट इज मोर देन वन करोड़ एनजेआई ऑलरेडी रिवाइज वि लिमिट ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी डीईपीएस एक्शन प्लान की वजह से आया था

ज अंडिया ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन बैंकिंग बिजनेस तो in मतलब अब तक अगर यह बैंकिंग बिजनेस में था तो नाइनटी फोर भी नहीं लगता था अभी बोल रहा है यह अगर बैंकिंग बिजनेस में है, और वह नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी है तो भी नाइनटी फोर भी अपलाई

एनी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस एसेट लाइबिलिटी एनी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लाइबिलिटी टू बनी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल हो गया जरूरत नहीं मतलब आपके दो कंपनी एक एलिजिबल एक जान बुझेस को मैनिफुलेट करोगे एलिजिबल वाले में ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो उसके ऊपर भी ट्रांसफर प्राइस लगेगा और एक वो नया वन वन फाइव बी ए बी जब हमारी खुद की नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका कितना कम रेट पे ऑल इंक्लूसिव 17.16 टैक्स लगता है तो जानबूझ के हमारी दो कंपनी होगी उसमें से एक वन वन भी ए होगी एक नॉर्मल होगी तो वी लगेगा बट इफ द टोटल इज मोर देन ट्वेंटी करोड़ इन अयर वैसे अगर ट्वेंटी करोड़ क्रॉस नहीं होता है तो सेक्शन में लिखा है एड वाले में बी ए बी में है, मार्केट और अगर 20 करोड़ क्रॉस हुआ तो आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रोविजन

क्वालिटी में क्वांटिटी में कॉस्ट में कोई रीजन से उसको एलिमिनेट कर दोनों को को बना के अनरिलेटेड अनरिलेटेड का प्राइस अप्लाई टू रिलेटेड पार्टी दैट्स कप मेथड अगर हमने को बेचा ही नहीं और रिलेटेड हमारा रीसेलर है तो उसका रीसेल प्राइस लेके प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दैट्स रीसेल प्राइस मेथड अगर हमारा रिलेटेड पार्टी मैन्युफैक्चरर है जो हम उसको दे रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल है तो फिर हमारा कॉस्ट और हमारे इंडस्ट्री की मार्जिन को ऐड करेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब वो हमारा और अगर हमारे प्रोडक्ट का इंडस्ट्री नहीं अगर हम पेन बेच रहा है और रिलेटेड पार्टी उसको अगर हम ढक्कन बेच रहा है पेन कैप बेच रहा है और रिलेटेड पार्टी उसको पेन में डाल के बेच रहा है तो ढक्कन का तो कोई प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा नहीं मार्केट में तो आपको क्या करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ ढक्कन प्लस पेन का इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन दैट्स प्रॉफिट स्प्लिट मेथड फाइनल प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन आपको इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट पर लगाना है

ये सारा अमेंडमेंट यहाँ पे चैप्टर वाइज जैसे मेरी बुक बनती है मेरी जिस ऑर्डर में बुक बनती है उस ऑर्डर में चैप्टर वाइज अमेंडमेंट बिसेलेनियस का अमेंडमेंट टीडीएस का अमेंडमेंट अगर किसी चैप्टर टीडीएस में ज्यादा है तो बहुत सारा लिखा है किसी चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं होता है जैसे आपका एडवांस टैक्स हो गया तो नो no अमेंडमेंट लिखा इसमें वो टू थर्टी फोर जी आया है तो लिखा रिफंड रिकवरी में नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग में वो वाला ऑर्डर सर हाउ कैन वी गेट दिस पीडीएफ सर सबसे पहला क्वेश्चन सर आई विल गेट दिस पीडीएफ हाउ कैन वी गेट सबसे पहले आप ओवर एक्साइटेड रहते हो हर चीज देखिए आपको ये तो पता है जैसे एमसीक्यू बुक थी पहले हम लोग पीडीएफ दिया था लॉकडाउन था इसलिए लेकिन अभी हार्ड कॉपी ही वी नेवर गिव पीडीएफ लेकिन वो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है सो तो हमारी जो मेन टेक्स्ट बुक है या एमसीक्यू की बुक है या कल जो एक धमाका किया वो ये टेक्स्ट बुक्स का हम पीडीएफ नहीं दे सकते बट ये समरी बनाई ही आपको देने के लिए तो ऑब्वियसली दिस समरी इज गोइंग टू बी अवेलेबल हम दो टाइप का स्टडी मटेरियल बनाते हैं समथिंग दैट वी कैन गिव एज फ्री रिसोर्स That we give. You as a CA you वो देंगे okay? तो ये आपको मिलेगा सर कि मिलेगा सर ये निचे देखो नीचे दिख रहा है नाम आ रहा है मस्त मेरा सब्जेक्ट आ रहा है उधर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आएगा उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो उस टेलीग्राम चैनल में नवम्बर मंथ में ये सामारी ऑलरेडी डाल दी गई कब क्यों डाल दी गई है बस आप मेरे से जुड़े थोड़ा सा लेट हो नो no प्रॉब्लम दे रहा है दुरुस्त है आप कहीं और जाने से तो बेटर जगह पे आए तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो भी मुझे स्टूडेंट्स को देना है वो एज अ फ्री रिसोर्स ऑल दैट मटीरियल पार्ट विल कम इन द टेलीग्राम चैनल इनफैक्ट मैं मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डालता हूँ टेलीग्राम का डालता हूँ इंस्टाग्राम का डालता हूँ यूट्यूब तो आप ऑलरेडी ऑब्वियसली देख ही रहे हो यू गेट द लिंक ऑफ एवरीथिंग सो जो भी स्टडी मटेरियल मुझे प्रोवाइड करना है वो मैं टेलीग्राम के थ्रू ही प्रोवाइड करूंगा डोंट व्हाट्सएप में

अबाउट आरपीएफ एंड सुपर एन्य उसपे कोई इंटरेस्ट और वो भी मिल रहा है साढ़े सात लाख के बाद दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्सम टैक्स इज गैक्टी दैट द ओनली अमेंडमेंट और क्योंकि इसलिए आपको ये बताना था ये बता दिया हो गया फिनिश सैलरी के अंदर नो फर्दर डिस्कशन और ये पीडीएफ तो अमेंडमेंट का पीडीएफ आपको मिलेगा कहा मिलेगा आई ऑलरेडी टोल्ड यू मूविंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट्स बी क्लियर मैं सी ए फाइनल के बच्चों को चैप्टर पढ़ाता हूँ क्लास में सैलरी इज द ओनली चैप्टर आई डोंट डू आई डू एफ ओ एस क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन पीजीबीपी कैपिटल गेन तो ऑब्वियसली कोई भी करता है okay? तो खाली एक सैलरी क्लास के अंदर नहीं होता है। बाकी सब तो हम लोग करते ही है सो वेरी क्विकली रिविजन है हाउस प्रॉपर्टी भी डिटेल में नहीं जाएंगे तीन कंडीशन बिल्डिंग मीनस लैंड ओपन लैंड नहीं चलेगा यू शुड बी दी ओनर सबलेटिंग नहीं चलेगा नॉट डूइंग बिजनेस तो आपको टैक्स भरना है तो आपको रिसीव होगा रेंट लेकिन टैक्सेबल विल बी वैल्यू दैट इज द प्रॉपर्टी कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टी टू जनरेट रेंट कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टी टू जनरेट रेंट इज गोइंग टू टैक्सेबल जिसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते ग्रॉस एनुअल बी गिवन फेयर रेंट गिवन म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट एवर इज बिकम एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड वैल्यू

तो वो जीएवी नहीं बनेगा एक्चुअल अमाउंट आंसर है वो वेकेंसी निकालने के बाद में जो एक्चुअल ओनली एक्चुअल बिफोर वैकेंसी जो था वो आपका आंसर ये आपका जीएवी माइनस म्यूनिपल टैक्सेस इफ पेड एंड पेड बाय लैंडलॉर्ड पेमेंट बेसिस डिडक्शन तो एन मिलेगा इसका थर्टी परसेंट आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और खाली एक इंटरेस्ट अलग से मिलता है दैट इज इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्यू बेसिस तो देखिए म्यूनसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्यू बेसिस ओनली सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फॉरेन में दिया है तो टीडीएस काटना पड़ेगा फॉरेन में दिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा द लोन शुड बी टेकन फॉर फाइव परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिन्यूअल कोई सिक्स अलाउड नहीं रहेगा अगर आपका एस, लेकिन कोई लोन लिया टू तो रिपे दिस लोन बैंक चेंज किया अगर हमने वो चलेगा

इतना ही मिलेगा क्योंकि इनकम ऑफर नहीं होती दो हाउस आप यहाँ पे ले सकते हो दो के बाद में एवरीथिंग विल बी डीएलओपी एलओपी डीएलओपी में कोई लिमिट नहीं है जितना एक्चुअल इंटरेस्ट है पूरा मिलेगा एलओपी डीएलओपी अनलिमिटेड एसओपी में मैक्सिमम थर्टी कंडीशन फुलफिल किया तो मैक्सिमम टू लैख एक्चुअल और थर्टी एक्चुअल टू लैक जो वो भी एप्लीकेबल है विच एवरेज लो है वो आपका इंटरेस्ट डिडक्शन ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया जनरल पॉइंट्स में एक दिन के लिए भी लेट आउट किया तो लेट आउट प्रॉपर्टी काउंट होगा अगर मल्टीपल ओनर्स है तो टोटल इनकम कैलकुलेट करो ओनरशिप रेशियो में डिवाइड करो अगर एक डिविजिबल प्रॉपर्टी आप यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तो एक पार्ट को एसओपी एक पार्ट को एलओपी ले सकते हो नो प्रॉब्लम अगर आपका कोई भी रिकवरी ऑफ अनरियलाइज या और ऑफ रेंट हो रिकवरी हुआ रिकवरी हुआ तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ रिकवरी इवन इफ यू आर नॉट ओनर नाउ इन द ईयर ऑफ रिकवरी इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इवन इफ यू आर नॉट दी ओनर नाउ रिकवरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल लेकिन फ्लैट थर्टी परसेंट स्टर्ड डिडक्शन देख मतलब वन लाख मिला है तो सेवेंटी थाउजेंड टैक्सेबल दो लाख मिला है तो वन लैक फोर्टी थाउजेंड टैक्सेबल फ्लैट थर्टी परसेंट

उसका भी हमको डिडक्शन मिलेगा इन फाइव इंस्टॉलमेंट जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में में फाइव वी विल गेट अवर डिडक्शन सो फर्स्ट फाइव ईयर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट डिडक्शन विल बी करंट ईयर प्लस वन फिफ्थ ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन करंट ईयर प्लस वन फिफ्थ ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पांच साल तक करंट ईयर प्लस वन फिफ्थ ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन दैट टोटल विल बी योर डिडक्शन जिसमें एलओपी डीएलओपी नो लिमिट पूरा मिलेगा पांच साल तक ऑब्वियसली करंट ईयर रहेगा अगर लोन अनपेड है तो रीपे हो गया होगा तो

उस प्रॉपर्टी आगे बढ़ेंगे have, ये वो है जिसके अंदर आपको फोर्टीन मार्क्स कैसे भी करके लाना है मतलब अगर आप टारगेट समझोगे तो तीस मार्क्स का एमसीक्यू एंड फोर्टीन मार्क्स आपका पीजीपी थी मेरे स्टूडेंट्स को इतना गारंटी तो है आप पास तो इतने में हो जाओगे फिर आपको एग्रीगेट लाना है तो आप कैसे लाते हो देख लो एग्जामेशन लाना अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप मेरे साथ खाली एग्जाम क्या बात करोगे सर आई वॉन्ट एग्जामेशन सर आई सर कुछ भी हो जाए हमको एग्जामेशन चाहिए एवरीबडी शुड कमेंट ऑल्सो वेन यू वॉच दिस लेक्चर सर हमको क्या चाहिए सर हमको एग्जाम्शन चाहिए सर हमको क्या चाहिए सर हमको सबको एग्जाम्शन चाहिए सो so, सो so, इतने में आपका काम

credited but not taxable वो less होगा ये चार adjustment करके हमको हमारा correct profit मिलेगा मतलब दो income का दो expense का इसमें जो treatment in accounts है ना debited not debited credited not credited तो question देगा and you just have to compare whether it is in accordance with tax or no if the treatment in accounts is in accordance with tax to aapko kuch nahi karna hai aapko khali ye dekhna hai ki jo bhi treatment in accounts not in accordance with tax hai to aapko usko adjust karna hai and that is your PGBP chapter start with wrong profit as per PNL and go to right profit after making the adjustment isme accounts wala part question dega humko tax wala part dekhna hai tax wale part mein bhi income taxable or not taxable common sense business se related hai to तो taxable nahi to nahi हमको act में गाली कितना दिया है सबको पता है class में बहुत detail में इसके बारे में discussion करते हैं हम लोग only expenses which are allowed or disallowed allowed expense from 30 to 371 disallowed expense from 37 to b टू फोर्टी थ्री बी अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काम हो गया जस्ट कंपेयर के जो अकाउंट्स में किया वो एस पर दिस है नहीं रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग सिर्फ एक कंडीशन द द शुड बी फॉर बिजनेस तो आपको यह सब एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन थर्टी वन खाली इंश्योरेंस दिया है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का इसका रेट्स एंड टैक्सेज नहीं होता है वो खाली प्रॉपर्टी का होगा लेकिन रेंट हो सकता है तो 30 में बिल्डिंग दिया है लेकिन 31 में प्लांट एंड मशीनरी में फर्नीचर में रेंट नहीं दिया बट ये रिविजन लेक्चर है तो आपको सबको पता होना चाहिए थर्टी सेवन वन जनरल में इसका रेंट कवर हो जाता है ऑल सेक्शन डेप्रिसिएशन दो कंडीशन ओन्ड ओन्ड एंड एंड फॉर फॉर बिजनेस बिजनेस अगर आपने ये दो कंडीशन कर लिया तो चाहे आपका टेंजिबल एसेट हो चाहे आपका इंटेंजिबल एसेट हो यू विल गेट डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट खाली लैंड पे नहीं मिलेगा कार्स इंपोर्टेड बिटवीन 1975 एंड 2001, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर आपके एसेट की कॉस्ट दस हजार से ज्यादा है सेम पर्सन सेम डेन यू हैव टू पे बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट आउट इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं तो फिर उतना अमाउंट आपके के लिए हमेशा के लिए इन हो जाएगा इफ एन एनगमेशन तो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा इन द रेशियो नंबर ऑफ डेज डेप्रिशिएशन में अकाउंट में आप कोई भी मेथड फॉलो करो टू हेल्प विथ इट इन टैक्स यू हैव टू फॉलो डब्ल्यू ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट जिसको बोलते हैं ब्लॉक एसेट मेथड स्टार्ट विथ ओपनिंग डब्लू आपको स्ट्रिक्टली यही ब्लॉक बनाने पड़ेंगे जो इन्होंने इनकम टैक्स रूल्स में दिए मर्जी से आप ब्लॉग्स नहीं बना सकते हो एनी परचेस यू विल एड इन द ब्लॉक नी सेल्स यू विल माइनस फ्रॉम द ब्लॉक ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स करके जो वैल्यू बनी उसके ऊपर एट दीस गिवन रेट्स आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा जो भी आपने सेल्स किया उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं होगा एज लॉन्ग एज यू हैव पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी एंड अमाउंट ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स करने के बाद आपके पास क्वांटिटी और अमाउंट है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपने आप आपके गेन और लॉस को एडजस्ट कर देगा सेल्स ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम मिलेगा और सेल्स कम है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा अपने आप आपका गेन और लॉस एडजस्ट हो जाएगा खाली अगर आपका अमाउंट जीरो बन रहा है आपके एसेट सब बेच रहे हो ब्लॉक टू एग्जिस्ट तो जब ब्लॉक चला जाएगा तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं नहीं आएगा और तो आएगा तो गेन और लॉस होगा सेलिंग प्राइस विल बी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस विल बी ओपनिंग प्लस परचेजेस दैट इज द वैल्यू इन द ब्लॉक ऑलवेज शॉर्ट टर्म नेवर लॉन्ग टर्म क्योंकि वी वांट टू टैक्स दिस कैपिटल गेन एट द पीजीबीपी रेट शॉर्ट टर्म और पीजीबीपी का रेट सेम है अगर लॉन्ग टर्म बना दिया तो स्पेशल रेट लग जाएगा इसलिए ऑलवेज शॉर्ट टर्म

ऑन द कॉस्ट मिलेगा नॉर्मल जो है वो ब्लॉक की वैल्यू पे मिलता है मिलेगा इन दर इन विच द एसे गेट योर एडिशनल डेप्रिशिए और फिर अगर आप पावर जनरेशन के बिजनेस में हो तो आपके पास एक ऑप्शन है आप एस एल एम का भी ले सकते हो लेकिन जो भी आपने ऑप्शन लिया बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते दैट्स योर डेप्रिशिएशन का डिडक्शन फिर जो थर्टी टू एडी का जो डिडक्शन है वो थर्टी टू एडी वॉज एप्लीकेबल लेटमी टेक यू टू दैट थर्टी टू एडी वॉज एप्लीकेबल ओन लिटिल लास्ट uh, ईयर ये आपका एस भी आ गया ये वन फोर ट्वेंटी के बाद एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो थर्टी थ्री ए बी ए बी है टी कॉफी रबर एंड साइट रिस्टोरेशन यू कैन ओनली रीड टू आंसर द एमसीक्यू क्वेश्चन सेक्शन थर्टी फाइव साइंटिफिक रिसर्च लास्ट ईयर तक बहुत कॉम्प्लिकेशन था अब एक बात तो फिक्स हो गई है रिसर्च में जितने भी सात डिडक्शन मिलते हैं नेशनल लेबोरेटरी आई आई टीर्टी फाइव टू ए इंडियन कंपनी हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग और इसी इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए थर्टी फाइव टू ये सातों में किसी में वन फिफ्टी किसी में हंड्रेड अलग, अलग अलग था एक बात समझ लीजिए एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू अंडर 100%, this is the amendment, but wait, ये आपके amendment है मानता दो हजार सोलह में जेटली जी ने बोल दिया कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मैं इसको हंड्रेड कर दूंगा मतलब जेटली जी ने बहुत पहले ही इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था ये खाली एक्टिवेट अभी हुआ दिस इज नॉट अमेंडमेंट ब्रॉड बाई द बजट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी जो आपके एग्जाम के लिए ये लाया जेटली जी ने 2016 में था लेकिन बोला था एप्लीकेबल होगा तो अब ये जितने भी है, ना कोई 150, 150, कुछ नहीं All the seven will be covered under 100% टेलीकॉम लाइसेंस एंड आपका स्पेक्ट्रम फीस अपॉन बैलेंस लाइफ बैलेंस क्योंकि जैसा जैसा आप पैसा भरोगे, उसके ऊपर आपको बैलेंस जितनी भी लाइफ बची अगर आप इंस्टॉलमेंट में भर रहे हो तो जो आपने इंस्टॉलमेंट भरा फिर देख लो लाइसेंस की कितनी लाइफ बची है उसके अंदर अपोर्शन करके आपको डिडक्शन लेना है एक बार आपने ये ले लिया फिर आपको डेप्रिसिएशन या वो कुछ भी नहीं मिलेगा थर्टी फाइव एडी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फोर्टीन स्पेसिफाइड बिजनेस हंड्रेड परसेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बार आपने ये डिडक्शन ले लिया फिर आपको और कुछ नहीं मिलेगा इट हैज टू बी अ न्यू बिजनेस नॉट स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सिस्टिंग बिजनेस मैक्सिमम सेकेंड हैंड लोकल प्लांट एंड मशीनरी ट्वेंटी परसेंट अलाउड रहेगा अगर लॉस ऑफिफाइड बिजनेस है तो वो किसी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रोफिट के सामने एडजस्ट होगा नहीं तो आप अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसके लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ता है एक बिजनेस के लिए आप थर्टी फाइव एडी या टेन डबल ए दोनों डिडक्शन नहीं ले सकते हो सेम एस ए अलग अलग बिजनेस पे ले सकता है लेकिन एक बिजनेस पे आप नहीं ले सकते हो एंड एंड

अब मैं अगर न्यू टैक्सेशन रेजिम में चला गया और मैंने ये छोड़ दिया तो पता है ठीक है सर ओके अब मैं अगर न्यू टैक्सेशन रेजिम में जाके ये ले ही नहीं रहा हूं तब तो बोला नहीं स्पेसिफाइड बिजनेस वाले को नहीं मिलता है अरे भाई साहब स्पेसिफाइड बिजनेस वाले को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर मैंने थर्टी फाइव एडी लिया तो

डिस्कस करते हैं आपका वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोल्ड चेन फैसिलिटी फर्टिलाइजर हॉस्पिटल विद मिनिमम हंड्रेड बेड्स अफोर्डेबल हाउसिंग स्लम रीडेवलपमेंट आपका बी कीपिंग हनी मेकिंग इनलैंड कंटेनर डेपो एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आपका हो गया ये वेफर फैब्रिकेशन फेब्रिकेशन सेमी कंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन यूनिट आपका बी कीपिंग एंड हनी मेकिंग हो गया वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर हो गया न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गया ये मेरा रट्टा मारा हुआ काम नहीं रट्टा आपको मारना मैं तो सालों साल निकल के जिंदगी निकल के बाल सफेद होने लग गया अभी कितना भी यंग और हैंडसम आजकल थोड़ा क्या है लॉकडाउन में घर बैठे बैठे थोड़ा कोरोना से ज्यादा मैं फैल गया मतलब जैसे बैठता हूं बटन टूट जाता है। तो मैं कुछ महीनों पहले तक बहुत ज्यादा हैंडसम था अभी भी हूं यहाँ तक और, और पेट का अगर मैं थोड़ा कैमरा अगर दिखा दू तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे मैं कोर्ट के पीछे बहुत कुछ छुपाता हूँ तो कोई बात नहीं जैसे ही फिजिकल क्लास चालू होगा उसके बाद में फिटनेस वापस तुमको दिखा देगा पॉइंट वो नहीं है पॉइंट मैं यंग हैंडसम दिखता है लेकिन बाल सफेद होने लग गए कोई नजदीक से आके देखेगा तो पता चलेगा जिंदगी निकल गया है ये मेरे मेरे को बाय बाय है मेरे हाट होने से काम नहीं चलेगा तुमको करना पड़ेगा और बाय बाट करने की जरूरत नहीं यू शुड जस्ट रीड द लिस्ट दो तीन बार अगर मैं आपको पूछ लू कि स्लरी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और ओ, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है क्या यू शुड नो यस है या नहीं है दोनों में से एक आंसर आपको आना चाहिए रट्टा मारने का आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा एबीसी लिमिटेड इज डूइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस

हो गया थर्टी फाइव डी प्रिमिन एक्सपेंडिचर फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉय एवर इज हायर कंपेयर विद एक्चुअल एक्सपेंस एवर इज लोअर दैट अमाउंट विल बी अवेलेबल इन फाइव इंस्टॉलमेंट्सरी एक्सपेंसि थर्टी फाइव डी डी अमेलमिशन के एक्सपेंसिस भी पांच इंस्टॉलमेंट में पांच साल मिलेंगे डी एक्सपेंडिचर ऑन बी ये भी पांच इंस्टॉलमेंट में आपको 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा अदर डिडक्शन वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस uh, आपका बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द ऑफ बिजनेस ये इतने ऑब्वियस है कि बताने का जरूरत नहीं है एंड देन कम्स अवर सेक्शन थर्टी वन थर्टी सेवन वन जो हमारा जनरल डिडक्शन है एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू बिजनेस नॉट कैपिटल नॉट पर्सनल आपका नॉट कवर्ड इन थर्टी टू थर्टी सिक्स नॉट प्रोहिबिटेड बाई लॉ एंड नॉट फॉर सी एस आर इतना कंडीशन फुलफिल कर लो तो हम एक एक सेक्शन नहीं देखेगा टेक केयर या, डिडक्शन यहाँ पे ही तो फॉर एग्जाम्पल वो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर कवर होता है तो ये वो एक्सपेंसिज है जो अलाउड है और अब हम जाएंगे वो एक्सपेंसिस जो डिस अलाउड है इसमें सबसे पहला ये आपका दो मार्क एग्जाम के लिए अभी दे रहा हूं आपको दो मार्क यू वर्क फॉर द रिमेनिंग फिफ्टी एट अगर आपको एग्जामेशन लेते हैं दो मार्क अभी दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो डे क्योंकि वैसे भी हमको चैप्टर सिक्स में मिलता है सो so, यहां पे पे वहां माइनस फिक्स है पीजीबीपी में एड चैप्टर सिक्स लेकिन वहां पे बोला है कैश नॉट अलाउड मतलब कैश हुआ तो पीजीबीपी में एड चैप्टर सिक्स में डोंट लेस और चेक हुआ तो पीजीबीपी में कंप्यूटिंग एड इन पीजीबीपी ऑलवेज वेदर चेक और कैश लेस इन चैप्टर सिक्स कैश हुआ तो डोंट एंड चेक हुआ तो करना है ये फिक्स सेक्शन है हमेशा आता है डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स एक्सेट्रा जो भी आपने पे कियाउड पार्ट टू टीडीएस रिलटेड नॉ डिडक्टेड और नॉट पेड अपू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग रेसिडेंट पे थर्टी परसेंट नॉन रेसिडेंट पे हंड्रेड परसेंट आपका डिस और किसी फ्यूचर ईयर में भर दिया तो जो आज डिस हुआ है वो फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा करंट ईयर एड करेंगे फ्यूचर ईयर में लेस करेंगे और तीसरा पार्ट जो कभी नहीं आता है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने स्टेट गवर्नमेंट को अगर पे किया स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने रॉयल्टी प्रीविलेज फी लाइसेंस फी ऐसा कुछ भी पे किया तो वो डिस होगा फोर्टी बी एंड बी ए हम लोगों ने पार्टनरशिप से चैप्टर में देख लिया अगर आपने रिलटेड पार्टी को कुछ भी एक्सेस मोर देन मार्केट वैल्यू दिया ट डिस अलाउड अगर आपने कैश पेमेंट मोर देन टन थाउजेंड किया मोड तीन मोड में होना चाहिए तो आपका पूरा एक्सपेंस डिस बट वेन वी मेक पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट लिमिट विल भी इंक्रीज टू थर्टी फाइव थाउजेंड यह भी फिक्स सेक्शन है हमेशा आता है और इसीलिए इट इज एडवाइज ये जो रूल सिक्स डबल डी में एक्सेप्शन दिए कोई कोई केस में आप ये लिमिट से ज्यादा कैश में दोगे तो डिस अलावेंस नहीं आएगा सटन एक्सेप्शन गवर्नमेंट को दिया या बैंक बंद है उस दिन दिया यू शुड नो टू आंसर योर एडजस्टमेंट आ फंड so हुआ तो अलाउड रहेगा बट सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री जो पेमेंट बेसिस है और अनअप्रूव्ड फंड बोलता है कि डिस अलाउड लेकिन पैसा भरा तो अलाउड मतलब एंड में पता चलता है कि अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड इरेलेवेंट पेड हुआ है तो अलाउड और अनपेड हुआ है तो डिसअलाउड सर अप्रूव्ड अप्रूव अप्रूव्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है पड़ता है सर पड़ता है अगर अप्रूव हुआ तो फोर्टी थ्री बी पीजीबीपी में पे आप एक्सपेंसिस का डिडक्शन ले सकते हो लेकिन ये वाले डिडक्शन आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली इफ यू मेक पेमेंट अगर आपने पैसा भरा तो इसमें गवर्नमेंट वाले दो है कौन से दो पेमेंट फॉर यूसेज ऑफ रेलवे एसेट एंड एनी टैक्स ड पेमेंट इट विली अलाउड तीन आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड है बोनस एंड कमिशन टू एप्लॉय माइंड यू सैलरी को यह सेक्शन नहीं लगता है ओनली बोनस एंड कमशन एंड ओनली एम्प्लॉय लीव एंड कैश में फंड के इंटरेस्ट के इंटरेस्ट टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल बैंक और कॉपरेटिव बैंक अगर इनका आपने टाइम पे भरा ओनली यू विल गेट डिडक्शन दिस पेमेंट कैन बी मेड अपू थर्ट फर्स्ट मार्च और अपू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इफ इट इज ऑन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंड इट विल डिसउड वो बाद में डिस होगा मतलब

तो लास्ट तीन साल का टर्न ओवर मेंटेन काउसरी बुक्स और तीनों से एक भी 1, से कम है तो एनी बुक्स दैट हेल्प यू टू कंप्यूट योर इनकम और अगर आप कोई अदर बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर हो तो लास्ट तीन साल का टर्न ओवर और प्रॉफिट दोनों देखने का तो टर्नओवर के ऊपर 25 लाख का लिमिट है प्रॉफिट के ऊपर ढाई लाख का लिमिट है एक भी अगर लिमिट क्रॉस हुआ छह में से अमाउंट तो एनी बुक्स दैट हेल्प यू टू कंप्यूट इनकम और सब अगर नीचे हुआ लेस देन द लिमिट हुआ तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ये रूल आपका फोर्टी फोर डबल एट है तो ऑडिट कराना है क्योंकि मगजमारी करोड़ लेकिन इनका प्रिजमटिव दो करोड़ तक है मतलब जिसका भी दो करोड़ तक का टर्न ओवर है आप प्रिजमटिव ले रहे हो तो नो टैक्स ऑडिट बट प्रिजमटिव ऑप्शनल है अगर आपने लिया तो ही, नहीं लिया तो एक करोड़ के बाद मीन अपू वन करोड़ नो टैक्स ऑडिट मोर देन वन करोड़

हमको इसका ड्यूडेट पहले करना है तो फोर्टी फोर ए बी में लाया। बोला एक महीना पहले। मतलब ये ही रहे वो अक्टूबर डिजास्टर इज नॉट वर्ड कसम मतलब गाली निकल लेगा मुझसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमको लिखना रहता है असेसी ने फोर्टी थ्री बी से कंप्लाई किया के नहीं। 43 के लिए मैं को रिपोर्ट बना रहा हूं अगर एस ने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया है जैसे बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज तो मुझे उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा और फिर जो सेकेंड अक्टूबर है उस दिन एसएससी ने बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय भर दिया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले है तो बी में एलिजिबल मतलब मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा पहले मुझे पहले ही नहीं पता नहीं ड्यू डेट पहले आना चाहिए रिपोर्ट बाद में आना चाहिए इन्होंने रिपोर्ट पहले बनाने का बोला ड्यू डेट बाद में वन डे आई विल बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ठीक है और एक और अमेंडमेंट आया अगर आपके पूरे साल के टोटल रिसीट में अगर आपके बंद कर जल्दी बंद कर अगर आपके पूरे साल के अगर आपके पूरे साल के टोटल रिसीट में कैश अप टू फाइव परसेंट है एंड प्लस साइन क्यूमुलेटिव है पूरे साल के टोटल पेमेंट में भी कैश अप टू फाइव परसेंट है कैश टोटल रिसीट एंड कैश पेमेंट शुड करो अपना कैश बुक जाके खोलो कैश बुक में डेबिट साइड पे रिसीट्स आएगा पे आता है, इतना तो अक्कल है ना डेबिट साइड पे इनकम एंड क्रेडिट साइड पे आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो ये है आपका कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम कैश बैंक कैश बैंक कहना इसे आपके टोटल रिसीट है इसमें कैश पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपके पेमेंट भी देखो ये आपके टोटल पेमेंट इसमें कैश पांच परसेंट से ज्यादा है और इसमें सिर्फ सेल्स नहीं कवर्ड है या परचेस नहीं कवर्ड है रिसीट फ्रॉम डेटर हो सकता है सेल ऑफ एसेट हो सकता है लोन टेकन हो सकता है सेम पेमेंट कैन बी एनीथिंग टोटल कैश रिसीट्स एग्रीगेट का पांच परसेंट के अंदर एंड टोटल कैश पेमेंट एग्रीगेट का पांच परसेंट के अंदर टोटल रिसीड्स पांच परसेंट के अंदर और टोटल पेमेंट पांच परसेंट के अंदर अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो आप टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा के फाइव करोड़ रुपीज हो जाएगा दैट वी नीड टू गेट अ टैक्स ऑडिट डन ओनली इफ द दर्न ओवर प्रोफेशन में कुछ चेंज नहीं है बिजनेस में एक करोड़ प्रिजमटिव के लिए दो करोड़ एंड पांच परसेंट में आपका रिसीट और पेमेंट दोनों हो गया बोथ तो पांच करोड़ एक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ प्रोफेशन मस्त है हम लोग मस्त है बहुत मस्त है

43 बी आपको खाली लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वो हमने पढ़ा है और एक बार आपने 44 फोर एडी ले लिया तो कम से कम आपको पांच साल तक लेना पड़ेगा बीच में छोड़ोगे तो पांच साल तक अवेलेबल नहीं होगा एडी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन पहला कंडीशन रेसिडेंट स्पेसिफाइड प्रोफेशन अप टू फिफ्टी लैक तीन कंडीशन है एनी रेसिडेंट स्पेसिफाइड प्रोफेशन अप अपि फिफ्टी परसेंट ऑफ योर टर्न ओवर विल बिकम कम योर फिफ्टी परसेंट टैक्स थोड़ी बनेगा फिफ्टी परसेंट विल बी योर पीजीबीपी फिफ्टी परसेंट पीजीबीपी ऑल अदर कंडीशन जैसे ये ऑप्शनल है ऑप्ट किया तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा दिखा सकता है कम दिखाएगा तो बुक्स रखना पड़ेगा ब्लॉक का डब्ल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा लेकिन यूएडी नहीं होगा एडवांस टैक्स इनको भी खाली लास्ट इंस्टॉलमेंट लगती है दिस वॉज सेम आज के रिविजन लेक्चर के अंदर किया एंड खाली वो पांच साल का कंपलसरी फॉलो करने का रूल यहां पे अप्लाई नहीं करता है देन इन फोर्टी फोर ए वी मंथ और पार्ट फॉर एवरी ट्रक हैवी ट्रक जो भी उसका टन है इंटू थाउजेंड जैसे टन है तो अठारह पर मंथ और पार्ट पर ट्रक लाइट ट्रक्स का ट्रकेंटी फाइव हंड्रेड फ्लैटी थाउजेंड इंटू टन फ्लैट बट दैट इज पर मंथ और पार्ट पर ट्रक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप प्रोवाइडेड यू हैव नॉट मोर देन टेन ट्रक्स थ्रू आउट दर द ट्रांसपोर्टर विल बी एलिजिबल अगेन ऑल अदर कंडीशन आर गोइंग टू बी सेम मतलब कंपलसरी नहीं है ऑप्शनल है ऑप्ट किया तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा दिखा सकता है कम दिखाना होगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा हर एक ब्लॉक का डब्लू डीबी फाइंड आउट करना पड़ेगा बस यहाँ पे एक तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला एडवांस टैक्स नहीं सब लगेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स इज ओनली फॉर एंड मतलब इनको सारा भरना है और इनको भी पांच साल का लॉक इन नहीं है इनको भी वो लॉक इन नहीं है लॉक इन वॉज नॉट देर इन एडी एल्सो इट वॉज देर ओनली इन एडी एंड ओनली लास्ट इंस्टॉलमेंट वॉज देर इन एडी एंड एडीए वो यहाँ पे नहीं है बट एक बहुत जरूरी डिफरेंस यहाँ पे जो भी आप इनकम कैलकुलेट करते हो इसमें आपको फोर्टी बी का डिडक्शन मिलेगा फोर्टी बी डिडक्शन माइनस करके यू गेट योर नॉर्मली वी डोंट एडजस्ट एनीथिंग वहां पे जैसे पहले वाले में भी अलाउड था दूसरे वाले में अलाउड है यहां पे अगर फॉर्म है तो इस कैलकुलेशन से जो भी तुम्हारी इनकम आ रही है या तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड या थाउजेंड पर इनकम यू आर गेटिंग विद दिस कैलकुलेशन उसमें फोर्टी बी का डिडक्शन माइनस होगा अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो एडजस्ट दैट फोर्टी बी डिडक्शन एंड देन यू विल गेट योर पीजीबीपी बाकी दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं था यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट

और अगर जर्नी इंडिया से चालू किया मुंबई से दुबई भले आपने बुकिंग अमेरिका में किया किया ऑनलाइन में में गया इफ द पेमेंट इज इज इन इन इंडिया और और इन इंडिया और कमेंसमेंट ऑफ जर्नी तो वो काउंट होगा मतलब डेस्टिनेशन इज इनवेंट खाली दो चीज कमेंसमेंट ऑफ जर्नी इन इंडिया या पेमेंट इन इंडिया अगर ये दो में से कुछ एक भी हुआ इंडिया में दोनों में से एक भी हुआ दोनों जरूरी नहीं है जर्नी कमेंसमेंट इन इंडिया हुआ है तो टर्न ओवर में काउंट होगा एंड पेमेंट इंडिया में हुआ है तो वो टर्न में काउंट होगा उस टर्न का सेवन या फाइव

एंड ट्रिपल बी इज टर्न की जो भी हमने उस को दिया है उसका टेन परसेंट उसका पीजीबीपी इन दोनों में रेट टेन है सो so, शिपिंग में सेवन एंड एयरक्राफ्ट एंड एक्सट्रेक्शन प्रोजेक्ट में टेन में है एडजस्टमेंट sure आता है

हम लोग वो एडलेस नो इफेक्ट अगर परफेक्टली किया तो वो होगा एंड एमसीक्यू के लेक्चर जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर रिविजन लेक्चर नंबर थ्री में मेरे साथ में जो हुआ वो मैंने ऑब्जर्व किया में मैंने आपको वो बताया तो फिफ्थ में मैंने नोट किया क्योंकि प्रेमियर बनाया था तो बहुत सारे लोग लाइव देख रहे थे बट अभी भी रिस्पॉन्स वैसा नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मतलब आप अपने लेजीनेस की वजह से मुझे मतलब ये प्रॉब्लम हो अब कल मैंने एक धमाका किया एवरीबडी स्वादर धमाका किया वैसे एक दिन के अंदर दो हजार लोगों ने वो वीडियो देख लिया तो फिर रिवीजन तो आपके ज्यादा काम की चीज है तो वो आप क्यों नहीं देख रहे हो एंड इफ यू आर डूइंग दैट देन इट इज कॉजिंग ट्रबल टू मी एंड देन अकॉर्डिंगली अभी सी पहले एक बार रिविजन कम अमेंडमेंट खत्म होता है क्योंकि पीजीबीपी खत्म हो गया तो अगले लेक्चर में मैं तो मुझे लग रहा है कैपिटल गेन अदर सोर्स क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन एंड तीन चार वो हो जाएगा आई थिंक अगर एक से एक घंटे से थोड़ा ज्यादा सवा घंटा डेढ़ घंटा लेगा तो हो जाएगा सात एपिसोड में रिविजन कम अमेंडमेंट हम लोगों ने खत्म किया नेक्स्ट टारगेट वैसे भी एमसीक्यू ही है बट अभी मेरे माइंड में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि अभी स्टूडेंट्स देखेंगे तो करके फायदा नहीं देखोगे तो फिर मेरा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है लेट सी फिलहाल के लिए एस एन एज अ दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड और एटलीस्ट इस काम को हाथ में लिया तो इसको तो हम लोग खत्म करने ही वाले हैं तो ये आपका पीजीबीपी था मिनिमम और मैक्सिमम के टारगेट हमने सेट किए एंड डायरेक्ट टैक्स शुड बी योर वे ऑफ गेटिंग एग्जेम्स इनफैक्ट योर एग्रीगेट एंड योर इंटर ग्रुप अगर एडजस्टमेंट भी आपको चाहिए तो मेरे साथ बोलना हमको सबको एग्जेम्पन चाहिए वी ऑल वॉन्ट वॉट एग्जेम्पन हमको सबको चाहिए एग्जेप्शन हमें चाहिए आजादी जो बोलते हैं हमें चाहिए एग्जेम्पन ये एग्जेम्पन एग्जैक्टली क्या है थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा फॉर नाउ आई विल कॉल दिस एंड ऑफ एपिसोड नंबर सिक्स रिविजन कम अमेंडमेंट हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन थैंक यू वेरी मच प्लीज थैंक यू वेरी मच